पूरी तरफ भी दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, ये है विशाल ऑटोमोबाइल। इस बार हम कुछ टेक्निकल चीजें आपके लिए लेके आए हैं, जिसे कहते हैं हेड पोर्टिंग। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है डिस्कवर 135 एचटी का हेड। अब मैं आपको इसको जरा गौर से दिखाता हूँ। ये होता है, ये है इसका एग्जॉस्ट पोर्ट, जो कि आप देख रहे हैं कितना ये खुरदुरा है, कितना गंदा है, जो कि ये धुआं होता है इसको निकलने में। जितना प्लेन रहता है उतना, अब जो कास्टिंग होती है, कास्टिंग थोड़ी खुरदुरेपन से होती है। और हेड पोर्टिंग से आपका क्या होता है कि पावर गेन होता है, अच्छा एयर फ्लो मिलता है। ये देखिए, ये मैंने अभी थोड़ा बहुत इनटेक साइड है, इनटेक साइड का हेड मैंने थोड़ा पोर्ट करा है। अभी ये मैंने मोटे एमरी वाले से कर रखा है। ये है हेड पोर्टिंग का टूल। ये अभी होता है मोटे फिनिशिंग के लिए, उसके बाद ये होगा आपके फाइन फिनिशिंग के लिए। इसमें आपका खास बात ये है कि आपको अगर जैसे आप अपनी गाड़ी का पावर बढ़ाते हो, बड़ा कार्बोरेटर लगाते हो, या कुछ ऐसा आप काम करते हो जिससे आपकी गाड़ी की पावर बढ़े, तो आपको हेड पोर्ट कराना पड़ता है। और आप चाहो तो बहुत ज़्यादा पावर के साथ खेलना चाहते हो तो आप ये करना कि आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हो, और वो सारा इसी टूल से होता है। इसको कहते हैं हेड पोर्टिंग। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ये हेड पोर्टिंग होती कैसे है। मैंने अभी इनटेक साइड हल्का हल्का कर दिया है मोटे से, अब मैं आपको एग्जॉस्ट साइड करके दिखाऊंगा और देखिए इससे कितना फर्क पड़ता है। ये देखिए कितना चिकनापन और शाइनीनेस आ रही है। अब ये क्योंकि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड छोटा है, तो इसमें मुझे छोटी एमरी ही लगानी पड़ेगी। अब चलिए, मैं बाकी जब ये फिनिश हो जाएगा तो अगली वीडियो में आपके लिए तब डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू और गुड नाइट।